आप में से बहुत लोग होंगे जो KTM लवर होंगे गाइस। चला लूंगी मैं, करो सिद्धि। जहाँ पे हो रहा है आज KTM शो देखने का, तो मैं आपको पूरा KTM शो दिखाने वाली हूँ आज, और जो भी KTM लवर्स है वो तो उसको डेफिनेटली देखेगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ कितना धमाल हो रहा है, शोर शराबा, मुझे तो यहीं से भी आवाज़ आ रही है। सो ये हो रहा है गाइस KTM शो, आप देख सकते हो बाइक्स भी खड़ी है। ये क्या कर रहे हो भैया, क्या कर रहे हो भाई, तुमसे ना हो पाएगा। हेलो यस, अभी रिसेंटली आपके शहर में IIT रुड़की, हम लोग अब KTM रुड़की भी लेके आए हैं जो पहले नहीं था। ये शो खत्म होते हुए सब कुछ अपना KTM शोरूम का फोल्ड होते हुए यहाँ से पूरा हट चुका है। और गाइस सो फाइनली जो हमारा शो था KTM शोरूम का शो IIT रुड़की में हो चुका, समाप्त खत्म हो चुका है। अब हम जाएंगे घर, पर उससे पहले आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको पूरा का पूरा टूर दिखाने वाली हूँ IIT रुड़की का। और गाइज बहुत मजा आया शो में, आपने भी देखा कितने सारे स्टंटों में, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा। और एक्चुअली मुझे KTM पसंद है, बट वैसे मैं बुलेट लवर हूँ, मुझे बुलेट पसंद है। ऐसी बात नहीं है कि मुझे KTM पसंद नहीं है, वो ठीक है, अच्छी है, पर मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग होंगे जो KTM लवर होंगे गाइस। अगर आप हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पहन नहीं जा रहे, ठीक है चले गए, मैं तो चला लूंगी, ऐसी बात नहीं है, है ना, चला लूंगी मैं, करो सिद्धि। ये मैं से गाइस उठ भी नहीं रही है, जब मैं से उठ नहीं रही है तो चलेगी क्या। सो गाइज ये है 390 बाइक जो कि इसी साल रिलीज हुई है, और ये है 200। तो गाइज मैं अगर बताऊँ इस वाले का मेरे को कलर इतना अच्छा नहीं लगा, मतलब जो मेन इसका ऑरेंज कलर था वो बहुत कम डाला यार इसमें, बस यहाँ डाल दिया। कंपैरिजन में ये वाली मुझे फिर भी मच बेटर लग रही है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको इन दोनों में से कौन सी सबसे अच्छी लगी है। और मैं हूँ जो कि अब घर जाने वाली है, बिकॉज ये ओवर हो चुका है। फिलहाल मैं आपको थोड़ा IIT का टूर कराऊंगी, और चलो चलते हैं। Oh.
सब यहाँ पे चेयर पे खड़े हैं, तो ये तो चेयर पे खड़े हैं तब जाके इनको दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि मुझे दिख पाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि मुझे दिख पाएगा पर ठीक है, मैं फिर भी ट्राई करती हूँ आपको दिखाने का और खुद भी देखने का। सो लेट्स फाइनली एक चेयर तो मिली। सोनू निगम के प्रोग्राम में तो गाइज मुझे लग रही थी बहुत जोरों की भूख, तो मैं आ गई IIT के फूड काउंटर पे। तो यहाँ देखते हैं मुझे खाने में क्या क्या मिलता है। सारे स्टॉल चले गए, आगे मुझे लगता नहीं कि होंगे। सो गाइस आप देख सकते हो कि सारे के सारे स्टॉल अब ओवर हो चुके हैं। जो भी है ओवरऑल मज़ा आया आपको, मैंने थोड़ा सा तो मैंने टूर कराया ही है, तो उसमें ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से टूर कराऊंगी गाइस। सो गाइस यहाँ पे होने वाला है शो सोनू निगम का। तुमसे मिलके दिल का है जो हार कर गए, चांद जले गया आसमान ये है जो बिखरने लगा। आज आपको ये पूरा प्रोग्राम जो मैंने आपको दिखाया आपको अच्छा लगा है तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।